ये फेस वॉश आपके चेहरे को खूबसूरत और सुंदर बनाता है, जिससे चेहरा खूबसूरत और अच्छा दिखाई देता है। ये फेस वॉश दाग धब्बे कील मुहासे की समस्या को ठीक करने का काम ये फेस वॉश करता है। और इस फेस वॉश का उपयोग स्किन से रिलेटेड किस प्रकार की दिक्कत किस प्रकार की समस्या रहती है, तब डॉक्टर के द्वारा ये फेस वॉश अप्लाई करने के लिए डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। इस फेस वॉश को लगाना कैसे होता है, कौन ये फेस वॉश लगा सकता है, कौन नहीं लगा सकता है, या फिर स्किन से रिलेटेड किस प्रकार की दिक्कत किस प्रकार की समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये फेस वॉश लगाने के लिए एडवाइस किया जाता है। इसे एक दिन में कितनी बार लगाना होता है, इसका डोज क्या होता है, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में आज हम आपको पूरा डिटेल से हिंदी में जानकारी बताएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, जब किसी के फेस पर पिंपल्स या फिर एक्नी की समस्या हो जाता है, तो पिंपल्स और एक्नी की समस्या ठीक हो जाता है, उसके बाद में जो उसके फेस पर जहां जहां पर पिंपल्स और एक्नी की समस्या रहता है, वहां पर आपने देखा होगा दाग धब्बे की समस्या हो जाता है, यानी पिंपल्स का वो निशान पड़ जाता है, तो उस निशान को ये मिटाने का काम करता है और आपके चेहरे को खूबसूरत गोरा और सुंदर बनाने का काम ये फेस वॉश करता है। और जैसे कि आपने देखा होगा, जब किसी के फेस पर पिंपल्स या फिर एक्ने की समस्या रहता है, तो उसमें क्या होता है कि उनके चेहरे पर छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं। आपने देखा होगा आपके गाल के साइड में हो जाएगा, नाक के साइड में हो जाएगा, या फिर नाक के ऊपर आपने कभी कभी देखा होगा छोटे छोटे दाने ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं आपके फेस पर अगर कहीं पर किसी भी प्रकार से पिंपल्स या फिर एक्निक की समस्या रहता है, तो उस समस्या को ये जो फेस वॉश है ये जड़ से उसे मिटाने यानी जड़ से ठीक करने का काम करता है। पिंपल्स और एक्निक की समस्या को जड़ से ठीक करने का काम ये फेस वॉश करता है। ये फेस वॉश डॉक्टर के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। और जैसे कि इस फेस वॉश का उपयोग हमने आपको बताया है कि अगर किसी के चेहरे पर किसी भी कारण से दाग धब्बे की समस्या रहता है, या फिर निशान पड़ जाते हैं, या फिर आपने देखा होगा कई बार छहिया के जैसा, अगर ये हम कह सकते हैं कि नाक के साइड में हो जाता है, नाक के ऊपर ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है, या फिर नाक के बगल में छोटे छोटे दाने ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है, तो इन सारी समस्याओं को ये फेस वॉश जड़ से ठीक करने का काम करता है। और किसी भी प्रकार से अगर चेहरे पर दाग धब्बे की समस्या रहता है, तो इस समस्या को ये जड़ से ठीक करने का काम ये फेस वॉश करता है। ये फेस वॉश डॉक्टर के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है इन सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए। और जैसे कि अगर किसी के फेस पर डार्क स्पॉट की समस्या रहता है, तो उस समस्या को भी ये ठीक करने का काम ये फेस वॉश करता है। ये फेस वॉश आपके चेहरे को खूबसूरत गोरा और सुंदर बनाने का काम ये फेस वॉश करता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं ये फेस वॉश आपको अप्लाई कैसे करना होता है। जैसे कि ये फेस वॉश जब भी आप अपने फेस पर अप्लाई करें, अप्लाई करने से पहले आप अपने फेस को पानी से धुल लें। धुलने के बाद में आप अपने फेस पर ये जो फेस वॉश है ये उंगली में निकालें। उंगली में निकालने के बाद में आप अपने पूरे फेस पर अच्छे से ये एक तरीके से मसाज के जैसा करें। उसके बाद में 2 से 3 मिनट मसाज करने के बाद में आप पानी से धुल लें। धुलने के बाद में आप अपने फेस को साफ तौलिया में पोछें। और आपको 10 से 15 मिनट ये फेस वॉश जैसे ही आप अपने फेस पर अप्लाई करते हैं, उसके बाद में आपको धूप में नहीं निकलना होता है। 10 से 15 मिनट बाद ही आप धूप में निकलें। ये फेस वॉश आप दिन में 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं, यानी आप अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं ये फेस वॉश। चलिए अब हम आपको इस फेस वॉश के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताते हैं, इस फेस वॉश का क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखा गया है। जैसे कि इस फेस वॉश का कोई भी खास साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है, बट अगर ये फेस वॉश आप अपने फेस पर अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद में अगर आपके फेस पर जलन की समस्या होने लगे, या फिर खुजली के जैसा महसूस होने लगे, या फिर ईचिंग की समस्या होने लगे, या फिर भभक के जैसा अगर आपके चेहरे पर महसूस होने लगे, तो तुरंत ये फेस वॉश बंद कर दें और अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास जाएं, तुरंत संपर्क करें। इसके अलावा यदि आपको और कोई दिक्कत और कोई समस्या है, तो एक बार आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास आप जाएं, आप अपनी दिक्कत परेशानी बताएं, उसके बाद में कोई भी मेडिसिन कोई भी क्रीम उपयोग करें। कभी भी आप कोई भी मेडिसिन कोई भी क्रीम खुद से उपयोग ना करें।